नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पुराने विधायकों का टिकट काट कर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की रेस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। जी हां, सही सुना आपने। नीतीश कुमार ने जहां 10 विधायकों का टिकट काट कर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है, वहीं तेजस्वी यादव ने 17 विधायकों का टिकट काट कर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इनमें से 6 सीट तो सीट शेयरिंग में दूसरे सहयोगी दलों के पास चली गई हैं, लेकिन 11 मौजूदा राजद विधायकों का टिकट काट दिया गया है। राजद ने जिन विधायकों का टिकट काटा है उनमें गोड़ियाकोठी विधानसभा से सत्यदेव प्रसाद सिंह, तरैया विधानसभा से मुद्रिका राय, गरका से मुनीश्वर चौधरी, सहरसा से अरुण यादव, सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम, मखदूमपुर से सूबेदार दास, केसरिया से डॉक्टर राजेश कुमार, बरौली से नेमतुल्लाह, हरिसिद्धि से राजेंद्र कुमार, संदेश से अरुण कुमार और अतरी से कुंती देवी का नाम शामिल है। राजद ने इन जगहों से नए उम्मीदवारों को उतारा है। इसके अलावा ओबरा सीट से बिजेंद्र प्रसाद और अरवल सीट से रविंद्र सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में 6 सीटें लेफ्ट के खाते में गई है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी 10 विधायकों का टिकट काट दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग के चलते जदयू को अपने मौजूदा विधायकों का भी टिकट काटना पड़ा है। जदयू ने जिन विधायकों का टिकट काटा है उनमें बाबू बरही सीट से कपिल देव कामत, फूल परास सीट से गुलजार देवी, बेनीपुर सीट से सुनील कुमार चौधरी, जीरादेई सीट से रमेश सिंह कुशवाहा, वैशाली सीट से राजकिशोर सिंह, सुल्तानगंज सीट से सुबोध राय, अमरपुर सीट से जनार्दन मांझी, राजगीर सीट से रवि ज्योति कुमार, डुमराव सीट से ददन पहलवान और एकमा विधानसभा सीट से मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह का नाम शामिल है। तो यह थी राजद और जदयू के उन विधायकों का नाम जिनका टिकट मौजूदा विधानसभा चुनाव से काट दी गई है। इनमें सबसे अधिक जिस पार्टी ने अपने विधायकों का टिकट काटा है वह पार्टी राजद ही है। यानी कि अपने विधायकों का टिकट काटने में राजद पार्टी जदयू से भी आगे निकल गई है। बताते चले कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा और जदयू साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उनके साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी शामिल है, जो चुनाव से कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी भी एनडीए गठबंधन की हिस्सा है। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में राजद और जदयू एक साथ चुनाव लड़े थे और भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।